स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन बा, द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतीली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेल्सन्स स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह होम्पकि्स रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडी वेडिफिनमैंस क्रिस कोलम्बस मार्क, मार्क रेड लिक्विलिफ ले, ले, और माइकल बेनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डन्स एस एड हैरिस जेना जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स लिन वेटफील्ड्स छायांकन डे मैक मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा किए स्टॉप स्टेप मोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा 25 दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से इसने, इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सर्डन को उनके प्रदर्शन के लिए शो के लिए मौसन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ है साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मान नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि ईसा इस, बेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल बेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया इस जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक आधिकारिक संतोली मां बन गई है इससे और भी अधिक घरण करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से से उसे महिला करती करती है, जिस करती है जिससे वह वह महसूस कि उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से इसाबेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह इसाबेल को एना को परल जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और इसाबेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वे साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बैल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नॉट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो तो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा इसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हेरिसन के रूप में सुशान साड है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए है डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार के रूप में हिन वे, फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन बा, द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहू और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसंस स्टीवन रोजर्स कैरन लेह होम्पकिंस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैनस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड लिक्विलिफ और माइकल बेनार्थन, अभिनी जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डंस एस एड हैरिस जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डोनाल्ड्स अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टॉप स्टेप मोम को सोनी पिक्चर रिलीज द्वारा 25 दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 50 मिलियन डॉलर के बजट से इसने सौ उनसठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सो के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है ईसा को एक परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली माँ बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जय जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोम लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा बेल को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपूर अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह मानती है। स्कूल में एना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निधन और ईसा बेल की सोतेली माँ की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में संगत पर काम करते हैं और वे बंध जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत प्रवृत्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले फोटो के फोटो के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में साडा नजर आया है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं, लियान एके हैरिसन के रूप में नजर आए है डॉक्टर डाटन स्वीकार के रूप में हिन वे, ट फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में बदरे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक ईगल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसन्स स्टीवन रोजर्स कैरन लेह होम्पकिंस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड लिक्विलिफ और माइकल बेनार्थन, अभिनी जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डंस एस एड हैरिस जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रैविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा स्टॉप स्टोप स्टेपमोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से इसने इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए शौ के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली केली के साथ साथ रह साथ रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक परि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख रहा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली मां बन गई है इससे और भी अधिक घरण करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकि सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंध जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहाँ जैकी कि जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हेरिसन के रूप में सुशान साजर आया हैरी नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार के रूप में हिन विहिट फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कुपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकि्स के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसनस स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह हॉपकिंस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिन क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड रेड लिकिलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डंस एस एड हैरिस जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविस का संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानबे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा किए स्टेपोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से इसने इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सौ के लिए मौसन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रहे, साथ साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है जो जो कभी मां ही बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से ईर्ष्या करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए हुए उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से इसाबेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहां तक कि वह इसाबेल को एना कोपरल जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो, नो माउंटेन हाइक एनफ़ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की गिरना न, निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निधन और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि कि जहाँ जैकी कि जहाँ जैकी के पास हमेशा जहां जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में सुसान साडा नजर आया हैरी नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बैन हैरिसन के रूप में नजर आए है डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार के रूप में हिन वे, फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनारथन बा, द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगीज, जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसनस स्टीवन रोजर्स कैरन लेह, होम्पकिस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडिफिन मैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड रेड लिकिलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डन्स एस एड हैरिस जेना मालोन्स लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डोनाल्ड्स डोनल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानबे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा किए स्टेपोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सौ के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मान ही बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए उसने अपने बच्चों के के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी, जैकि सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और इसाबेल बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईस्सा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निधन और इसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब इसा बेल जैकी की परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन के दिन शादी के वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि जहा जैकी जहा जैकी के पास हमेशा जहां जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी मद हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हेरिसन के रूप में सुसान साडा नजर आया है ल्यूक में एड हैरी नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए डॉक्टर डाटन स्वीकार के रूप में हिन वट वे फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कुपर के रूप में बदरे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन बा, द्वारा निर्मित है पटकथा गंगी लेवांगी जैसी ले, ने, ने, नेल्सन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकि्स के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसनस स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह, होम्पकिस रोन बास। कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडी फिनमैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड रेड लिकिलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डन्स एस एड हैरिसना जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टॉप स्टेप मोम को सोनी पिक्चर रिलीज द्वारा 25 दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 50 मिलियन डॉलर के बजट से इसने सौ उनसठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सो के लिए मौसन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रहे, साथ साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मान ही बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिगड़ कर, बिगाड़कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक परि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देखा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जय जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकि सक्रिय रूप से ईसा बैल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को परल जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो, नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निधन और इसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंध जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप श की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहां जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहां जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक जैकी, जैकी ने को उनके साथ होने के लिए आमंत्रित को अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में सुसान साड़ा नजर आया है ल्यूक हैरिसन के रूप में एड हैरिस नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बैन हैरिसन के रूप में नजर आए डॉक्टर डाटन स्वीकार के रूप में हिन वट वे, फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कुपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विस मैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड क्लर्फ और माइकल्स बा, बानार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले, ने, ने, नेल्सन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकि्स के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हेरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसनस स्टीवन रोजर्स कैरन लेह, होम्पकिस रोन बास। कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैंस क्रिस कोलम्बस मार्क मार्क रेड रेड लिक्विलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डन्स एस एड हैरिस जेना मालोन्स लियाम्स एकेन्स लिन वेटफील्ड्स छायांकन डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टॉप स्टेप मोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा 25 दिसंबर उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 50 मिलियन डॉलर के बजट से इसने सौ उनसठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सो के लिए मौसन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली केली के साथ साथ रह साथ रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है ईसा को एक परि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देखा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को परसाले के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिगा अधिकारिक संतोली बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोंफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकि सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपूर अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह मानती है। स्कूल में एना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहाँ जैकी कि जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा इसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है। जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में सुसान साड़ा नजर आया है ल्यूक हैरिसन के रूप में एड हैरी नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए हैं डॉक्टर डाटन स्वीकार्ड्स के रूप में हिन वे, फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कुपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विस के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बानार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसंस स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह होम्पकिस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड रेड लिकिलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रोबर्टसन सुसान सर्डन्स, एस एड हैरिसना जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वहटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानबे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टोप स्टेपोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 50 मिलियन डॉलर के बजट से इसने इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सो के लिए मौसन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कत्नाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिगड़ कर, कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है ईसा को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देखा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक आधिकारिक संतोली मां बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जय जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोंफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए उसने अपने बच्चों के के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी, जैकी सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपू अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो, नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह मानती है। स्कूल में एना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निधन और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत्यु परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप इबनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा इसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है। जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में सुसान साडा नजर आया है ल्यूक हैरिसन के रूप में एड हैरी नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बैन हैरिसन के रूप में नजर आए हैं डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार्ड्स के रूप में हिन वहट वे, फील्ड नजर आए हैं डेक्कन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए हैं मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कुपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बा, बानर्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले, ने, ने, नेल्सन, स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहू और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसनस स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह होम्पकिस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड रेड रेडिफ और माइकल बैनार्थन अभिनी जूलिया रॉबर्टसन एड हैरिस, जेना मालोन्स लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डोनाल्ड्स डोनाल मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टॉप स्टेप मोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा 25 दिसंबर उन्नीस सौ को संयुक्त अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 50 मिलियन डॉलर के बजट से इसने इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सौ के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है ईसा को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसा बेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह के प्रति दुर्भावना भी रक, जारी रखती है इसाबेल बेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल बेल को प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित किया इस जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक आधिकारिक संतोली माँ बन गई है इससे और भी अधिक घरण करते हैं एक कथानक मोड़ में जय कुछ समय से चुपचाप लिफोम लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा बेल को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपूर अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह मानती है। स्कूल में एना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया और वे जैकी के आ, आसन निधन और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में स्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है। जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में एड है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए है डॉक्टर डाटन स्वीकार्ड्स के रूप में हिन विहिट वे, फील्ड नजर आए हैं डेक्कन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए हैं मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में बदरे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक ईगल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनारथन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहू और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसंस स्टीवन रोजर्स कैरेन लेह होम्पकि्स रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडी फिनमैनस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड लिक्यूलिफ और माइकल बैनार्थन अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डन्स, एस एड हैरिस जेना, जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वहटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टोप स्टेपमोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए शो के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है ईसा को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख रहा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली माँ बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोम लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से ईर्ष्या करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से ईसा बैल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपूर अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे जो एक बार पसंद करती थी दो तो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली माँ की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में संगत पर काम करते हैं और वे बंद जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा इसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफ़ी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में सुसान साड़ा नजर आया है ल्यूक हैरिसन के रूप में एड है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार्ड्स के रूप में हिन फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ अट्ठानवे की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहू और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसंस स्टीवन रोजर्स कैरन लेह होम्पकिंस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैनस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड लिक्विलिफ और माइकल बेनार्थन, अभिनी जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डंस एस एड हैरिस जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायाकन डोनाल्ड्स अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स फोर्टीन नाइन्टी टू है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन बॉक्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टेपमोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए सो के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्ड स्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और ल्यूक हैरिसन एक तलाक़शुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रह साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मान ही बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़ कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक अपरि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित किया जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली माँ बन गई है इससे और भी अधिक घरणर करते हैं एक कथानक मोड़ में जय जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोम लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकी सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम सपूर अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की गिरना न, निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह असत्य मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली माँ की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में संगत पर काम करते हैं और वे बंध जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की मृत प्रवृत्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहाँ जैकी कि जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हैरिसन के रूप में साडा नजर आया है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं, लियान एके हैरिसन के रूप में नजर आए है डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार के रूप में हिन वे, फील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए हैं कूपर के रूप में बदरे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स नजर आए हैं स्टेप मोम मूवी के फैक्ट ऑफ रिव्यू स्टेप मोम सन उन्नीस सौ की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और वेडी फिनमैन मार्क रेड, रेड क्लर्फ और माइकल्स बनार्थन द्वारा निर्मित है पटकथा गंगीगी लेवांगी जैसी ले ने, ने, नेल्सन स्टीवन स्टीवन रोजर्स करेंट लोहो और हापकिंस के रोनाल्ड्स बस द्वारा लिखी गई थी फिल्म में जूलिया रॉबर्टसन और सु, सु, सुसान सर्डन और एड हैरिसन है और अपने और अपने पूर्व पति के नए प्रेमी से निपटने वाली एक बीमार महिला का अनुसरण करती है जो उनके बच्चों की सोतेली माँ है फिल्म का निर्देशक क्रिस कोलम्बस है पटकथा गिगी लेवांगी जैसी नेलसन्स स्टीवन रोजर्स कैरन लेह होम्पकिंस रोन बास कहानी गिगी लेवांगी है उत्पादित वेडीफिनमैंस क्रिस कोलंबस, मार्क मार्क रेड लिक्विलिफ और माइकल बेनार्थन, अभिनीति जूलिया रॉबर्टसन सुसान सर्डंस एस एड हैरिस जेना मालोंस लियाम्स एकेन्स, लिन वेटफील्ड्स छायांकन डे डोनाल्ड्स मैक अल्पाइन है संपादित नील ट्रेविश का है संगीत जॉन विलियम्स के हैं उत्पादन कंपनी कोलम्बे पिक्चर्स नाइन फोर्टीन नाइन्टी टू चित्रित है वितरित है सोनी पिक्चर्स का विमोचन्स रिलीज तारीख पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ अट्ठानवे कार्यक्रम एक सौ पच्चीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट पचास मिलियन डॉलर्स ऑफिस में एक सौ उनसठ पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर इकट्ठा के स्टोप स्टेपमोम को सोनी पिक्चर रिलीज़ द्वारा पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों में मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पचास मिलियन डॉलर के बजट से इसने इसने एक सौ उनसठ पॉइंट साठ मिलियन डॉलर की कमाई की अन्य प्रशंसाओं में सडन को उनके प्रदर्शन के लिए शौ के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था कथनाक में देखा गया जैकी और लियूक हैरिसन एक तलाकशुदा न्यूयॉर्क शहर में जुड़े हैं जो अपने बच्चों अन्ना के और बैन के सह अभिभावक के लिए संघर्ष कर रहे हैं ल्यूक एक वकील एक साल की अपनी प्रेमिका इसाबेल कैली के साथ साथ रहे, साथ साथ रह रहा है जो उसे एक सफल फैशन फोटोग्राफर जो उसके उससे कई साल छोटी है इसाबेल जो जो कभी मां नहीं बनना चाहती थी एना और बैन को उसके साथ सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करती है एना बार बार उसके प्रस्तावों को खारिज कर देती है जबकि बैन जो संस, उसे पसंद करती है अपनी शरारतों के साथ अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है इसाबेल जैकी के इर्द गिर्द सावधानी और अवमानना के साथ व्यवहार करती है और यह है विश्वास करने के लिए अपने बच्चों को बिग कर, बिगाड़कर तलाक के लिए ओवरकम्पनेसेंट करती है जैकी एक पूर्व प्रकाशक जो स्टेम ऑन होम बन गया है इसाबेल को एक परि परिवक्त स्वार्थी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कैरियर महिलाओं के रूप में देखते हुए उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है जैसा कि इस इसाबेल के पालन पोषण के बारे में टकराव में देख रहा गया है कि वह ल्यूक के प्रति दुर्भावना भी रख रक, जारी रखती है इसाबेल जैकी और अन्ना से जुड़े कई तर्कों के सहत आहत भावनाओं के बाद ल्यूक ने इसाबेल को प्रस्तावित किया इस जिससे वह अन्ना और बैन की भावी अधिक अधिकारिक संतोली बन गई है इससे और भी अधिक हरण करते हैं एक कथानक मोड़ में जैकी कुछ समय से चुपचाप लिफोमा से जूझ रहा है वह उसके वह उसके नवीनतम इसके स्कैन के परिणाम करते हुए बीमारी अब टर्मिनल है वह कई तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है विशेष रूप से उसे महिला से इच्छा करती है जिससे वह महसूस करती है कि वह उसकी जगह ले रही है और क्रोध क्रोध किए वह उसने अपने बच्चों के लिए एक सभी बलिदानों के बाद उसे बड़, कभी बड़े होते नहीं देख पाएगी जैकि सक्रिय रूप से ईसा बेल के ब, बच्चों को साथ संबंध कर बनाने का प्रयास को विफल कर देती है और यहाँ तक कि वह ईसा को एना को परल जेम देखने के लिए ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर देता है फिर बाद में वह खुद को संगीत समारोह में ले जाता है और ईसा बेल और अन्ना के रिश्ते में में अंतंत सुधार होता है और वह साझा शोक पेटिंग और संगीत पर बंध जाते हैं ईसा बेल जैकी का सामना करती है इसलिए वह ल्यूक और उसके निदान के बच्चों को सूचित करती है जिसके परिणाम अन्ना भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाती है और उस रात जैकी ने अन्ना और बहन के साथ इज नोट नो माउंटेन हाइक एनएफ गाना गाकर नृत्य को नृत्य करके तनाव को कम किया जैकी और इसाबेल के बीच असहमति बनी हुई है मोटे और तौर पर वह इसाबेल के पालन पोषण को लेकर जब इसाबेल की निगरानी में बैन लापता हो जाता है तो जेकी कानूनी कार्रवाई पर की धमकी देता है वह दावा करता है कि उसने उसे कभी नहीं खोया जिसके बाद वह मानती है स्कूल में ऐना को एक लड़के द्वारा तंग किया जाता है जिससे वह बा उसे एक बार पसंद करती थी दो महिला अपने उसे परस्पर विरोधी सलाह देती है जिससे तनाव में बढ़ जाती है जेकी ने बाद में इसाबेल को अपने साथ डिनर कराने के लिए आमंत्रित किया जिससे और वे जैकी के आ, आसन निदर और ईसा बेल की सोतेली मां की भूमिका में संदर्भ में एक ए, में अस्थिर संगत पर काम करते हैं और वे बंध जाते हैं जब ईसा बेल जैकी की परिवर्ति की अपनी प्रशंसा प्रकट करती है तो जबकि जैकी अन्ना के साथ जुड़ने के साधन के रूप में ईसा को हिप हिपनेश की प्रशंसा करता है जब ईसा बेल जैकी से कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह अन्ना की शादी के लिए दिन शादी के दिन वह केवल अपनी माँ की उपस्थिति की कामना करेगी जबकि जैकी ने अपना अपना डर स्वीकार किया और वह उसे भूल जाएगी उन्हें समझ में आता है कि, कि जहा जैकी कि जहाँ जैकी के पास हमेशा जहाँ जैकी के पास हमेशा बच्चों का अतीत होगा ईसाबेल का भविष्य होगा उसे उन दोनों को बिना चुने प्यार कर सकते हैं क्रिसमस की सुबह परिवार एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है जैकी जो कि अपनी जब काफी हद तक बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक क्षणों का साझा करती है और उन्हें बताती है कि जब तक वे उसे याद रखेंगे वह वह उन्हें साथ रहेगी उनके साथ रहेगी और इसाबेल बच्चों के साथ ल्यूक और जैकी का पारिवारिक चरित्र लेती है जैकी के जैकी ने इसाबेल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपनी स्वीकृत का प्रदर्शन करते हुए कहा आइए पूरे परिवार के साथ एक फोटो ले इसाबेल फोटो के लिए के लिए जैकी के बगल में बैठती है और जैसे ही समापन क्रेडिट शुरू होने से होता है तो दोनों महिलाओं को कंधे में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ शांति से दिखाया जाता है जूलिया रॉबर्टसन इशाबेल की कैली के रूप में नजर आई है जैकी हेरिसन के रूप में सुशान साजर आया है नजर आए हैं अन्ना हैरिसन के रूप में जेना मानोल नजर आए हैं लियान एकेन बेन हैरिसन के रूप में नजर आए डॉक्टर डॉक्टर स्वीकार के रूप में हिन विटफील्ड नजर आए हैं डेकन शेमुल्स के रूप में डेरेल लार्सन नजर आए मेरी लुइस विल्सन स्कूल काउंसलर के रूप में नजर आए कुपर कूपर के रूप में आबद्रे बी ब्लैक नजर आए हैं फोटो सहायक के रूप में हर्बर्ट रेसेल नजर आए हैं क्राफ्ट सर्विसमैन के रूप में जेक इकल्स